सकते अपने बेटे को। अफकट मा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है ना। नाइस हेयर कट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। आई ग्रो इट अगेन पापा। तो फाइनली दोस्तों, रणबीर कपूर और बॉबी देओल के खतरनाक एक्शन से भरी हुई फिल्म एनिमल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपना दूसरा दिन पूरा कर रही है। लेकिन दोस्तों, अपने पहले दिन इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड्स के झंडे गाड़े हैं, उसके बाद दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल इंडियन सिनेमा के और बॉलीवुड इतिहास की नंबर वन फिल्म बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि सुपरस्टार रणबीर कपूर, बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स से सजी हुई फिल्म एनिमल, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इस फिल्म का डायरेक्शन क्या है, संदीप रेड्डी वेंगा ने। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है और इस फिल्म का क्लेश सैम बहादुर जैसी फिल्म से हुआ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का बेहतरीन ट्रेलर, टीजर और गाने एनिमल के हमें देखने को मिले थे, उसके बाद से ही दोस्तों एनिमल को लेकर ऑडियंस के बीच में जो हाइप थी वो काफी बेहतरीन थी। यही वजह रही दोस्तों कि एनिमल ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज से पहले ही कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी नए नए रिकॉर्ड्स बना दिए। दोस्तों बताते चले आपको कि एनिमल में रणबीर कपूर ने जिस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है वो काबिले तारीफ है। बॉबी देओल का दोस्तों रोल भले ही छोटा हो, लेकिन उनके रोल को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। तो वहीं दोस्तों रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी का भी रोल ऑडियंस को पसंद आया है। लगभग 3 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स्ड टू पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन एडवांस में ही 35 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर दिया था, और कल दोस्तों इस फिल्म के लगभग 1800 से ज्यादा शो हाउसफुल बोट के साथ ऑल ओवर इंडिया में चले। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी। सिंगल स्क्रीन हो या फिर हो मल्टीप्लेक्सेस, हर जगह पर दोस्तों रणबीर कपूर और बॉबी देओल की इस फिल्म को लेकर काफी अच्छी भीड़ और ऑडियंस की लाइनें लगी हुई देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों सिनेमाघरों में सीटियां और तालियां मारते हुए लोग बाहर आ रहे थे। यही वजह रही दोस्तों कि सुपरस्टार रणबीर कपूर की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन हिंदी में ही 52 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर लिया है, और दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की नंबर वन ओपनर हिंदी में बनती हुई नजर आई है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो भी 11 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है, जो कि एक तरह से तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड इतिहास की नंबर वन ओपनिंग है। इस तरह से दोस्तों इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया से अपने पहले ही दिन लगभग 64 करोड़ रुपए की कमाई हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर की है, और ऑल इंडिया ग्रॉस पर इस फिल्म का कलेक्शन 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा है, जो कि एक तरह से जवान के बाद बॉलीवुड में दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने पठान, गदर 2, केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड्स को बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिया है, और इंडियन सिनेमा की पहली ए रेटेड फिल्म बनी है जिसने कि अपने पहले ही दिन 60 करोड़ रुपए से भी बड़ी ओपनिंग ली हो। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ओवरसीज में भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। ओवरसीज में दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने कि अपने प्रीमियर में ही $1 मिलियन के आंकड़े को पार किया, और दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन टोटल ओवरसीज मार्केट में काफी पसंद किया गया है, और यही वजह है कि इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से भी अपने पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन था वो उम्मीदों से कहीं ज्यादा ऊपर निकला, और मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये फिल्म 105 से 110 करोड़ रुपए कमाएगी, लेकिन दोस्तों एनिमल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग लेकर दिखा दिया है कि रणबीर कपूर आने वाले टाइम के और आज के टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार है। अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड डे के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले ही दिन की तरह इस फिल्म के अपने दूसरे दिन की भी जो एडवांस बुकिंग है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड कर रही थी। इस फिल्म की दोस्तों टोटल अपने दूसरे दिन के लिए एडवांस 32 करोड़ 40 लाख रुपए की है, जो कि एक तरह से ऐतिहासिक एडवांस है। यह फिल्म दोस्तों आज भी मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन सभी जगह पर 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। सुपरस्टार रणबीर कपूर और लॉर्ड बॉबी देओल को देखने के लिए दोस्तों ऑडियंस की भीड़ सिनेमाघरों के बाहर लगी हुई है। तो वहीं दोस्तों मिराज,
राज, राजहंस और मूवी मैक्स जैसी सिनेमा सीरीज के पास इस फिल्म के लिए टिकट मिलना भी मुश्किल हो चुके हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज भी 100% की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में हासिल की है। आफ्टरनून और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी में भी दोस्तों इस फिल्म के काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये फिल्म आज भी अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां एक बार फिर से 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का 2 दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा। और दोस्तों पठान और टाइगर 3 से बड़ी ओपनिंग यहां पर एनिमल को लग चुकी होगी। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस की, तो आज भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 68 से 70 करोड़ रुपए के आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का 2 दिनों का ऑलरेडी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन होगा वह लगभग 140 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। आज के कलेक्शन दोस्तों इस फिल्म के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 110 से 112 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का 2 ही दिनों का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन 230 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका होगा। और दोस्तों फाइनली सुपरस्टार रणबीर कपूर की मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली एनिमल दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई करके ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी होगी और उन सभी हेटर्स की बोलती भी बंद कर चुकी होगी जो कि कह रहे थे कि यह फिल्म काफी लंबी है और ऐसी है वैसी है। दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार रणबीर कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। ऐसी एक भी फिल्म नहीं है जो कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के सामने टिक पाई हो, क्योंकि दोस्तों सिंगल स्क्रीन पर जहां इस फिल्म ने जवान, पठान, गदर 2, टाइगर 3, KGF चैप्टर 2 सभी को पीछे छोड़ दिया है, तो मल्टीप्लेक्सेस में दोस्तों इस फिल्म ने जवान के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ऑल ओवर इंडिया में ली है। ओवरसीज में भी दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड की नंबर 1 ओपनर साबित हुई है और दोस्तों इस फिल्म ने जवान और पठान को भी पीछे कर दिया है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर जो अपने पहले दिन का कलेक्शन है वो भी जवान, पठान, टाइगर 3 और बॉलीवुड की किसी भी बड़ी फिल्म से ज्यादा है। यही वजह है कि दोस्तों एनिमल इंडियन सिनेमा के नंबर 1 ओपनर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बनी है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही 1,000 करोड़ी फिल्म भी साबित हो सकती है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।